ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे या फिर कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आपका पीएफ कटता था या तो पहले कभी भी कटा था और आपके पास यूएन नंबर नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा है, या तो आपकी कंपनी बंद हो गई है, या तो आपका एम्प्लॉयर दे ही नहीं रहा है, वह आप ऑनलाइन सारे यूएन नंबर बिना किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। गूगल ओपन कर लेना और यहाँ पे टाइप करना है ईपीएफओ। यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट आपको सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन इंटरफेस इस टाइप से ओपन होकर जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा www.epfindia.gov.in। आपको इस वेबसाइट को ओपन, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है आपके सामने। फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्विसेज पे आपको जाना है और यहाँ पे एम्प्लॉई सर्विसेज पे चले जाना है। जैसे आप एम्प्लॉई सर्विसेज पे जाएंगे, अगला इंटरफेस इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज। आपको इस पे आप सेलेक्ट करेंगे, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफाइड पोर्टल का लॉग इन पेज ओपन होकर के आ चुका है। आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा इस पेज का, वहाँ से आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नो योर यूएन का ऑप्शन दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन पहले भी था, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, लेकिन ये क्या बीच में ये ऑप्शन हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था ईपीएफओ की तरफ से। इसमें कुछ इम्प्लीमेंट चल रहे थे, वो इम्प्लीमेंट अब हो चुका है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आप पिछले कितने भी यूएन नंबर हो, आपने कितने यूएन नंबर के माध्यम से काम किया है, सारा कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि ये हेल्पफुल रहा तो आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नो योर यूएन इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नो योर यूएन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर एंटर करना ही करना है। लेकिन इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे कि सर मेरे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है और मैं कैसे अपना यूएन नंबर पता करूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे ये आप कोई भी मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ईपीएफओ ने रूल चेंज कर दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास जो भी चालू हालत में मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। ये केवल एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, आप कोई भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके यूएन में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो ही एंटर करना है। तो मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहां पे कोई भी आप जो चालू हालत में आपके पास मोबाइल नंबर है वो ही एंटर कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, उसके बाद कैप्चा एंटर कर लिया, कैप्चा को यहां से चेंज भी कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं यदि आपको डाउट है तो। उसके बाद यहां पे रिक्वेस्ट ओटीपी कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है। और उसके बाद यहां पे दोबारा से एक कैप्चा एक आया हुआ है, ये कैप्चा एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी कर देना है। एंटर कर लिया, ओटीपी भी एंटर कर लिया, ओटीपी 5 मिनट के अंदर में ही आपको एंटर करना है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम है, तसल्ली से और बढ़िया से एंटर करना है आपको, सही से एंटर करना है, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी यहां पे कर देना है। फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यहां पे ओके कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपको यहां पे अगला ऑप्शन क्या करना है, यहां पे आपको फुल नेम आपका एंटर करना है, जो भी एम्प्लॉई का नेम है यहां पे पूरा नेम एंटर करना है। यहां पे कोई भी कोताही नहीं बरतना है आपको, यहां पे नेम बिल्कुल सही एज पर आधार, यदि आप आधार सबमिट करते हैं तो आधार के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिल कर लेना है, जो भी इम्प्लॉय का आप पता करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, यहाँ पे आधार नंबर से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, और यदि पेन से करना चाहते हैं तो पेन से कर सकते हैं, और यदि आपके पास मेंबर आईडी है, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं सर मेरे पास तो मेंबर आईडी है, तो मेंबर आईडी से भी आप कर सकते हैं। मेंबर आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप नेम एंटर करेंगे, पूरा डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट का है, और जो कैप्चा है वो एंटर करने के बाद यहाँ से शो माई यूएन कर देना है। तो हालांकि मैं अभी पेन से भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आधार से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी नेम है एम्प्लॉई का वो एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से चूज कर लीजिए,
और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख ले सकते हैं ये ऐसे चूज करना है आपको। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टोटल डिटेल फिल कर लिया, नेम करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, नेम आपको करेक्ट लिखना है यहाँ पे, नेम हमने एंटर कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लिया है और आधार का डिटेल हमने एंटर कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लिया, उसके बाद सो माई यूएन कर देंगे। जैसे आप सो माई यूएन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपने जो भी इम्प्लॉय का यहाँ पे एंटर किया था डिटेल, उस एम्प्लॉय ने जिस यूएन के माध्यम से काम किया, जितने भी यूएन नंबर थे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने जो भी इम्प्लॉय का यहाँ पे एंटर किया हुआ था डिटेल, इन्होंने 2 यूएन के माध्यम से काम किया है अब तक, तो ये दोनों यूएन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अब यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो पहले होता था, पहले क्या होता था कि ये जो पहले पुराना नो योर यूएन था उसके माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये यूएन नंबर जाता था, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना होने की वजह से हमें यूएन नंबर मिल भी नहीं पाता था। तो ईपीएफ की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया अपडेट कर दिया गया है। ईपीएफ का यह न्यू अपडेट आपको कैसा लगा, आप अपना बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, डायरेक्ट उस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट है वो लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।